यह बात तब की है जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता था। जब मैं बेंगलोर में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वह देखने में तो औसत ही थी, पर वह काफ़ी आकर्षक थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नज़र चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। वह हमारे एरिया में नई नई आई थी। क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी, तो मेरी और उसकी मुलाकात आँखों ही आँखों में हो जाती थी, पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। हमारी मुलाकात अक्सर शाम को छत पर हुआ करती थी, और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत और बालकनी पर ही रहता था, इस उम्मीद से कि प्रिया छत पर आएगी तो उसे देख सकूंगा। मैं भी उसे देखा करता और वह भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया और मैं प्रिया की ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन मेरी माँ प्रिया की मॉम से बातें कर रही थी। उस दिन मैंने भी पहली बार प्रिया से बात की थी। कुछ मैंने प्रिया को अपने बारे में उसे बताया, कुछ उसने अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। एक दिन प्रिया ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इस पर प्रिया ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था कि प्रिया मुझे मिल गई थी जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो प्रिया के लिए महसूस करता हूँ, वह प्रिया भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं, या वह मुझे सिर्फ दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। मेरा प्रिया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे। यह तो निश्चित था कि वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन की बात है, जब प्रिया का मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन में अटेंड करने के लिए उनके घर गए थे, उस दिन प्रिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात प्रिया के घर चला गया। जब वह छत पर थी, उस रात मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं प्रिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था और हमने खूब बातें की, उसके घर में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने प्रिया की आंखों में देखकर और उसकी बात सुनी कि उनका सपना क्या है, यह जाना वह कैसे शादी करना और घर बसाना चाहती थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाती। मैंने कहा ही नहीं, मैं बस इतना कह सकता था कि अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं उसके लिए और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था वह मुझे रिजेक्ट कर मुझसे दूर ना हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद प्रिया आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहाँ उसके ताऊजी रहते थे। मैं उसके लिए खुश था, लेकिन साथ ही उसे जाते हुए देखकर मैं दुखी भी था। मैं दुखी था क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। मैंने प्रिया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहा। मेरी आंखें नम थीं, मैं अंदर ही अंदर रोया और प्रिया को अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी भी तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 साल बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर प्रिया का ही था। मैं हैरान था कि प्रिया इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है। वह तो स्टडी करने गई थी। मैं पूरी तरह टूटकर बिखर गया। अब मैं जान गया था कि प्रिया अब कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मैं खुद को बहुत कोस रहा था। मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कही, पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया, क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन प्रिया के लिए बड़ा अवसर था। शादी भव्य थी, सभी का स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी प्रिया से मिला और निश्चित रूप से मुझे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। प्रिया को मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर ना जाने उसके चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था और उसे किसी और का होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे।
मैंने प्रिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस प्रिया को देखता रहा और फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ गुजरात से उसी दिन ही बेंगलोर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस यह भूलने की कोशिश की कि गुजरात में क्या हुआ। साल बीतते गए पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे। एक दिन मैंने प्रिया को मैसेज किया पर जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया पर जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें कहा गया था मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम कॉलेज में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बात करते थे। नीचे प्रिया का नाम देखा था। मैंने जाकर उसे वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था लेकिन वह अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। मैं समझ गया था कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक क्यों मैसेज और कॉल जवाब नहीं दिए इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू को रोकने की कई बार नाकाम कोशिश की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा क्योंकि उसके फैमिली अब उस अपने पुश्तैनी घर गुजरात में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और प्रिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। मैं प्रिया के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी था पर अंदर से खुशी भी थी कि मेरी प्रिया आज फिर से मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे प्रिया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, अब तो मैं प्रिया से अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगा क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा उसे सरप्राइज देने के लिए। एक दिन मुझे प्रिया के नंबर से फ़ोन आया पर वह प्रिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल थे और उसने जो बताया एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गईं। उन्होंने कहा कि क्या आप प्रिया को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। फिर उसने कहा प्रिया जी की कार का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, आप हॉस्पिटल आ जाइए और इनके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन का लास्ट कॉल आपको गया था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इससे मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगा और सोचने लगा आज ही तो सुबह ही कॉल पर बात हुई थी और अब कहते हैं प्रिया नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले प्रिया के मॉम डैड को कॉल पर बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह टूट चुका था और उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया और रात भर सो नहीं पाया। आज प्रिया हमारे बीच नहीं रही पर आज भी मुझे उसकी याद आती है क्योंकि आज भी मैं प्रिया को बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद हमारा साथ यहीं तक का था। जीवन के सबसे कड़वे सच मौत को भी स्वीकार करना ही था मुझे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।